पराए बच्चों के लिए तुम अपनी माँ से इस तरह बात कर रहे हो? इन बच्चों को समझाओ। मामा आज तो आपने ये बात कह दी, प्लीज आइंदा मत कहिएगा। ये कोई फुटबॉल खेलने की जगह है? बाहर जाकर खेलें। उनकी हर जिम्मेदारी पूरी करना मेरा फर्ज है। सारा दिन घर में दनदनाते फिरते हैं, उसे वलीद की कोई परवाह नहीं है। दानियाल और राहिल मेरे बेटे हैं। सुकून बर्बाद कर दिया है मेरा, चोट लग गई मेरे इतनी जोर से। ये आपने कैसे सोच लिया? इस लड़की ने शादी सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए की है। वलीद की वालदा वलीद की जिद के सामने मजबूर होकर हुमैरा को अपनी बहू तो बना लाती है, लेकिन इसे दिल से कबूल नहीं करती। हुमैरा के बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो हुमैरा से कहती है, इन बच्चों से कहो कि वो बाहर जाकर खेलें, ये फुटबॉल खेलने की जगह नहीं। जब से ये आए हैं इन्होंने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। हाजरा की बातें सुनकर हुमैरा बच्चों से कहेगी कि आप लोग कमरे में चलें। हुमैरा वलीद से कहेगी कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दें। वलीद कहेगा, हाँ कोई मैं अच्छा सा स्कूल देखकर इनका वहाँ पर एडमिशन करवाऊँगा। तो पास खड़ी हाजरा कहती है, महंगे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने की क्या ज़रूरत है, किसी नॉर्मल से स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा दो, पहले भी तो ये पढ़ रहे थे। जवाब में वलीद कहेगा, मामा ये दोनों मेरे बेटे हैं और इनकी हर ज़रूरत पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। जवाब में हाजरा कहेगी, बेगाने बच्चों के लिए तुम मुझसे उलझ रहे हो। जवाब में वलीद कहेगा, मैंने आपसे कहा है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो हाजरा अपने शौहर से आकर कहती है कि इस लड़की ने अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वलीद से शादी की है, इसे वलीद की कोई परवाह नहीं है।